देखने को मुझको सौ बहाने तू बनाई, ऐसा भी क्या मुझ में बना। चला जा भोसड़ी के। तो उस टाइम पे होटल में कोई नहीं था, तो उस दिन मैंने, मेरे को जस्ट पैसे चाहिए थे। तू समझा? अर्ज किया है, लड़के लिंक ढूंढने को कर रहे हैं ट्राई, सुनने में आया है कच्चा बादाम हुआ है फ्राई। तो भाई साहब, इनके हाल ही के इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने इनके वायरल MMS के बारे में पूछा। अच्छा। तो अंजलि मैडम ने कुछ ऐसा जवाब दिया। प्यारी समझ गई। अरे ओ भाई साहब, इसने तो क्वेश्चन ही स्किप कर दिया, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसका वायरल वीडियो। रुक जाओ, अपनी आवाज को अपनी चड्डी में छुपे नुन्नू की तरह दबा लो, क्योंकि भाई जो तुम सोच रहे हो ना, उसका साथ मैं कतई भी नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? जिन भोले भाले लोगों को कोई खबर नहीं है कि आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ, एक चाची को तो आप जानते ही होंगे, अरे वही जो कच्चे बादाम पे मटका मटका के फेमस हुई है। तो उन्हीं चाची का एक वीडियो मेरे पास आया, इस बार वो डांस का नहीं बल्कि डांस पे चांस का है। तू समझा? हाँ। प्यारी समझ गई। इससे पहले कि मैं आपको कच्चा बादाम पकता हुआ दिखाऊं, उससे पहले इस MMS पर अंजलि की लोका पार्टनर मिस अजमा फला का ओपिनियन सुन लेते हैं। हेलो हॉलीवुड के फैंस, आप लोगों ने तो करमजली की वायरल वीडियो देखी होगी। ओहो चाची, मतलब आज उसकी वीडियो वायरल हो रही है तो वो करमजली। वैसे चाची, करम तो तुम्हारे भी कुछ ठीक ना है। हेलो गाइस, एज यू नो ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, 5000 दिरहम एक मोटा गेंडा टकला बना रहा है वीडियोस, और मैं उसको बोलूंगी 5000 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे मोबाइल का बिल आता है 5000 दिरहम महीने का, गॉट इट? कोई बड़ी बात नहीं है 5000 दिरहम, कुछ बड़ा कर साले बुड्ढे टकले मोटे गेंडे। लो भाई लो, ऐसे ही कर्मों की धुली मैडम किसी आदमी को बॉडी शेम कर रही है और फिर खुद दूसरों को ज्ञान दे रही है। वैसे तो चलो वीडियो अच्छी खासी थी, मेरे हॉलीवुड लेवल की वीडियो थी, पर जो वीडियो की क्वालिटी थी वो बड़ी बेकार थी। अरे भोसड़ी वाली, कितनी आत्माएं समा रखी है तेरे अंदर। रील पे तो वो बड़े करमजली नाच नाच के बादाम दिखा दिखा के वीडियोस बनाती है, इस बार उसके जो बादाम है वो हाई डेफिनेशन में नहीं नजर आए, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। अच्छा तो चाची, एक काम करो, इस बार ना तुम मस्त कैमरा वैमरा सेट करके फुल HD में वीडियो बनाओ, फिर हम बताओगे बहनचोद वीडियो अच्छी है या बुरी। इसी वजह से लोग ओयो का सहारा लेते हैं, पर कुछ आधा चोत के बच्चे ऐसे हैं जो ना तो किसी लड़की की प्राइवेसी के बारे में सोचते हैं और ना ही उसकी इज्जत के बारे में सोचते हैं, बस दल्ले MMS बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो?